सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया नया ड्रामा जब अभिमन्यु और उसके डैड के बीच हुई अक्षरा को लेकर बहस, जहां अभिमन्यु ने ऊंची आवाज में की बात अपने डैड से, जिसे देखकर सभी हो गए शॉक्ड। जी हाँ, दरअसल सीरियल में अभी तक आपने देखा कि कैसे बिरला परिवार को पता चलता है कि रूबी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री की बेटी है, उसने अभिमन्यु के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया है, जिसे लेकर बिरला परिवार है शॉक्ड, क्योंकि खबर वायरल हो रही है और अभिमन्यु इस वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अपने घर पहुंचती है और अपने परिवार को बताना चाहती है कि वो अभिमन्यु के जन्मदिन के मौके पर बिरला अस्पताल में गई थी, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। उसे चिंता है कि अगर उसने अभी नहीं बताया तो आरोही बाद में इस बारे में बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब परिवार लौटता है तब अक्षरा उन्हें सच बताने वाली ही होती है, तो आरोही उसे बीच में रोक लेती है और परिवार वालों को बताती है कि अभिमन्यु के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लग गया है, जिसके बाद मनीष अभिमन्यु को दोष देना शुरू कर देता है। वहीं अक्षरा उन्हें रोकती है और उन्हें बताती है कि वो भी केबिन में थी और उसने पूरी बात देखी है। अक्षरा की बात सुनकर सभी हो जाते हैं शॉक, जिसके बाद अक्षरा घर वालों को सब सच बताती है कि अभिमन्यु की मां ने उसे शहर छोड़ने से रोका था और उसने अभिमन्यु के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी आयोजित करने में उनकी मदद की थी। लेकिन यहां कहानी में आता है ट्विस्ट, जब मनीष अक्षरा को इस मामले के बीच में नहीं आने के लिए कहता है। वहीं बिरला परिवार में नील को पता चलता है कि जब रूबी आई थी तो अक्षरा उस कमरे में थी और वो इसका सबूत हो सकती है, लेकिन अभिमन्यु उसे अक्षरा का नाम बताने से रोकता है। वहीं मंजी को पता चलता है कि अभिमन्यु कुछ छुपा रहा है। वो उसे सवाल करती है कि क्या अक्षरा वहां मौजूद थी जब रूबी अभिमन्यु के केबिन में आई थी। वहीं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अक्षरा अभिमन्यु को क्लीन चिट दिलाने में मदद करने का वादा करती है। वहीं बिरला परिवार को पता चलता है कि अक्षरा कमरे में थी, जिसके बाद अभिमन्यु के डैड अक्षरा से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर अभिमन्यु और उसके डैड में होती है बहस और अभिमन्यु ऊंची आवाज में बात करके उन्हें रोक देता है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अक्षरा अपने परिवार के इच्छाओं के खिलाफ अभिमन्यु के बचाव में आएगी और क्या अभिमन्यु अक्षरा को उसकी मदद करने देगा।